नमस्कार डॉक्टर। डॉक्टर साहब, क्या इशू था इस पेशेंट के साथ में? जिस तरीके से कुछ मीडिया में ऐसी खबरें चल रही हैं कि पेशेंट के एडमिट होने के उपरांत उसकी ट्रीटमेंट के दौरान मृत हो गई, क्या ऐसा टेक्निकल रीजन है, वो जानना चाहेंगे हम आपसे। पेशेंट ये बहुत अत्यधिक सीरियस था जी, क्रिटिकल स्टेज में आया था। इसके टट्टी के रास्ते से और मुंह से भी ब्लड आ रहा था। बीपी इसका कम था, काफी सीरियस था। इमरजेंसी में ड्यूटी डॉक्टर ने देखा था, उन्होंने स्पष्ट बता दिया था कि खतरा इसमें बहुत ज्यादा है, कहीं भी ले जा सकते हैं और भर्ती करना चाहें तो इसको भर्ती कर लेते हैं, लेकिन रिस्क है। पूरी सारी चीज उनके अटेंडेंट को बता दी गई थी, तभी उसको लगभग 7:30 बजे एडमिट किया गया और उसको आवश्यक दवाइयाँ लिखी गई और जाँचें लिखी गई। और इसके बाद जब जांच की रिपोर्ट आई तब उसमें पता लगा कि उसमें काफ़ी ज़्यादा खून की कमी है, हेपेटाइटिस सी है, इन्फेक्शन है, मरीज सेप्टिसीमिया में था। फिर उनको दोबारा से समझाया गया और मरीज को आईसीयू में शिफ्ट के लिए कहा गया। इसके बाद मरीज आईसीयू में शिफ्ट किया गया और ब्लड के लिए अरेंजमेंट करने के लिए फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा और प्लेटलेट इत्यादि का अरेंजमेंट करने के लिए बताया गया। लेकिन बीमारी की गंभीरता इतनी ज़्यादा थी कि मरीज सीरियस होता चला गया, उसका ब्लड प्रेशर फॉल होता गया जो कि कंट्रोल नहीं हो पाया और अंततः उसकी मृत्यु हो गई। सारे प्रयास उसमें किए गए, लास्ट में उसका कार्डियक अरेस्ट हुआ सारे प्रयासों के बावजूद भी। कहीं से कोई लापरवाही नहीं की गई है, बीमारी उसमें बहुत तेजी से थी और उसका लिवर ऑलमोस्ट फेल था। लिवर फेलियर के कारण, सेप्टिसीमिया के कारण ये सारा घटनाक्रम है। उसकी मृत्यु का कारण लिवर की बीमारी और सेप्टिसीमिया, और जिसके कारण उसकी डेथ हुई, न कि इलाज के कारण। हम लोग प्रयास करते हैं मरीज को बचाने का। बिल्कुल सही बात है कि कोई भी डॉक्टर और उसको सारे ऑप्शन भी दे दिए थे, जहाँ ले जाना चाहे वहाँ पे ले जा सकते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है। जैसा कि स्टाफ से भी पता चला कि काफी रिक्वेस्ट करने के बाद में हम लोगों ने उसको एडमिट किया था। हाँ हाँ बिल्कुल। ऐसे हमारे सामने उपस्थित हैं अनुराम हॉस्पिटल के एडमिन हेड त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी नमस्कार। त्रिपाठी जी, क्या एग्जैक्ट घटना हुई है यहाँ पर मॉर्निंग में, कुछ इस बारे में बताएं प्लीज। आज मॉर्निंग में 7:30 बजे के करीब एक पेशेंट यहाँ एडमिट हुआ जो अपर GI और रेक्टल ब्लीडिंग के साथ आया था, बहुत सीरियस कंडीशन में आया। डॉक्टर्स ने देखने के बाद उसको मरीज के परिजनों को क्लियर कर दिया कि बहुत सीरियस कंडीशन है, हाई रिस्क पेशेंट भी थी, और उसके बाद मरीज को उन्होंने एडमिट करने के लिए रिक्वेस्ट किया, हमने एडमिट किया और उसका इलाज शुरू किया। लेकिन ज़बरदस्त ब्लीडिंग और उसका लीवर फेलियर के कई कारणों से, जो टेक्निकल रीजंस हैं वो डॉक्टर बेहतर बता सकते हैं, जिसके कारण उसकी मॉर्निंग में डेथ हो गई, वही 11:50-11:53 के करीब। बड़ी विडंबना है कि हम जो प्राइवेट सेक्टर के जो लोग हैं तो मरीज की जान बचाने के लिए हॉस्पिटल्स होते हैं, और उसकी मौत होने के बाद उनके जो अटेंडेंट थे, परिजन थे, उन्होंने यहाँ पर तोड़फोड़ शुरू कर दी और हमारे स्टाफ कार्मिकों और डॉक्टर्स के ऊपर हाथापाई करनी शुरू की। मैंने अभी देखा कि ICU का भी दरवाजा वगैरह सब क्षतिग्रस्त पड़ा हुआ है, तो क्या ये उन्हीं के तीमारदारों द्वारा? जी, उन्हीं के तीमारदारों ने यहाँ स्टाफ को भी मारपीट की और यहाँ का आईसीयू में सीरियस मरीज भी भर्ती है, हमारे ICU का दरवाजा भी तोड़ दिया और बहुत मुश्किल से। हालांकि मैं शुक्रगुजार हूँ पुलिस प्रशासन का, जिनको हमने 100 नंबर थाना कल्याणपुर गुरुदेव पैलेस पुलिस चौकी, हमने जो SO SI को इन्फॉर्म किया, उन्होंने बहुत ही त्वरित सहायता हमें उपलब्ध कराई, जिसे हम लोग एक बड़ी घटना होते होते बची। लेकिन ये बहुत बड़ी विडंबना है, इसके लिए हम लोगों को सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। ओके भैया, क्या मामला था पर्टिकुलर ये जो घटना सुबह आज हुई है, इस विषय पर कुछ? जी जरूर बताऊंगा सर। एक्चुअली मैं यहाँ पर नाइट एडमिट की पोस्ट पर हूँ जी, और लगभग सुबह 7:25 पे इमरजेंसी में पेशेंट आया जी, उसका नाम मिस्टर प्रमोद कुमार जी, GI क्लीन और लूज मोशन के साथ, उसको ब्लड के थक्के भी आ रहे हैं जी, और उन्होंने उनके अटेंडेंट ने बताया कि इन्हें 3 साल पहले बहुत भयंकर पीलिया भी हुई थी, जिसको उन्होंने इलाज होम्योपैथिक कराया और 3 साल होम्योपैथिक के बाद रिएक्शन उनका क्या हुआ, उनका आधा लीवर डैमेज हो गया, जिनके अटेंडेंट उनके जो बेटा था उसने मुझे बताया, और जो आरंभ डॉक्टर हमारे थे डॉक्टर आदित्य,
उनको भी वहीं पर थे, उन्होंने पूरा ट्रीटमेंट, और उस समय उन्होंने पूरी इस कंडीशन के बारे में बता दिया था कि आपका पेशेंट बहुत ही कंडीशन, बहुत ही गड़बड़ कंडीशन में, आपका पेशेंट मतलब एक्सपायर भी कर सकता है, तो इसलिए हम आपसे एक हाई रिस्क कंसल्ट भी ले रहे हैं। उस समय मैंने उनसे कंसल्ट भी लिया और उन्हें बता दिया कि आपका पेशेंट बहुत ही गंभीर अवस्था में, इसे आईसीयू में एडमिट करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हमारे पास थोड़ा सा पेमेंट की प्रॉब्लम है, हम देखते हैं, इधर उधर मैनेज कामा टोल करते रहे वो। उसके बाद फिर उन्होंने एडमिशन कराया पेशेंट का, देन उसके बाद उन्होंने मेडिसिन शुरू कर दिया। देन उसके पहले जब ये पेशेंट हमारे पास आया तो लगभग कम से कम 80% उसका लीवर जो है डैमेज हो चुका था पेशेंट का, और उन्होंने किसी भी मेडिकल स्टोर पर जाकर मेथा कोबालामिन एंड एक कोट करके कोई और टैबलेट थी बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के उन्होंने खाई थी, और उन्होंने वो दो टैबलेट टेबल पर इमरजेंसी में रखी। उसके बाद फिर हम लोगों की ड्यूटी चेंज हो गई सर, उसके बाद इतना देखते हैं।